एवरीवन, हम लोग आज यूज करेंगे नो एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। नो एसक्यूएल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका एच बेस हो गया, कैसेंड्रा हो गया, मोंगोडीबी हो गया, कॉच डीबी हो गया, रेडिस हो गया, ग्राफ डीबी हो गया, दैट इज कॉल्ड द नो एसक्यूएल। तो हम लोग नो एसक्यूएल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि नो एसक्यूएल होता क्या। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नो एसक्यूएल होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नो सिक्वल भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ और बोलते हैं कि नॉट ओनली सिक्वल, ये सब नाम बोलते हैं कि इसको नो सिक्वल बोलते हैं। बट नहीं, नो सिक्वल क्या था कि एक बार वो लोग कोई मीट बुलाया था, ठीक है, तो वो जितने मान लीजिए जैसे कॉच डीबी, कोई मोमो डीबी, कैसेंड्रा और एच वे जितने कंपनी है वो जाके मीट किए थे, तो वो मीट का ही नाम रख देते ये लोग नो सिक्वल। तो नो सिक्वल उसी के नाम पर रखा गया नो सिक्वल। जितने मतलब मोमो डीबी, कॉच डीबी, कैसेंड्रा, एच बेस आता है वो नो सिक्वल के अंडर में ही आता है। ठीक है, ये नो सिक्वल के अंडर में आता है। एक नो सिक्वल के अंडर इसमें ये मेन हम लोग पढ़ना है कि नो सिक्वल में डाटा मॉडल में, डाटा मॉडल मतलब क्या होता है नो सिक्वल में। नो सिक्वल चार चीज पर बेस्ड है, ठीक है, उसका मतलब क्या डाटा मॉडल होता है। पहला होता है डॉक्यूमेंट मॉडल। जो डॉक्यूमेंट मॉडल होता है वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड ही बोलते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी जो हो गया वो डॉक्यूमेंट मॉडल ही है। तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड जो पहला हुआ डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है, ये बेस्ड ऑन द जेएसएन फॉर्मेट पर होता है, जैसे की वैल्यू पेयर पर ही ये यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि वो जेएसएन का आप लिखे होंगे, जेएसएन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, उसी पर ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मींस कोई भी चीज डॉक्यूमेंट में रखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम फैमिली क्या होता है, कॉलम बेस्ड होता है, मतलब इसे कॉलम ओरिएंटेड भी बोलते हैं। तो एच बेस और कैसेंड्रा इसके अंडर में आता है, ठीक है, एच बेस और कैसेंड्रा इसके अंडर में आता है। उसके बाद आपको क्या हुआ की वैल्यू पेयर, ठीक है, डाटा मॉडल की वैल्यू पेयर भी होता है, उसके अंडर में आता है, रेक आता है और रेडिस आता है, जो की वैल्यू पेयर पर ही काम करता है। की वैल्यू पेयर मतलब मान लीजिए कि मल्टीपल सैलरी निकालना है, नेम सैलरी, तो नेम क्या हो गया की हो गया और सैलरी क्या हो गया उसका वैल्यू हो गया, तो की वैल्यू पेयर ये हो गया। ग्राफ डीबी, ग्राफ डीबी मतलब ग्राफ यूज, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन यूज करता है, फेसबुक आपको फोटो शेयरिंग, आप कभी देखते होंगे कि फेसबुक में आप मतलब किसी का म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो भी आपको दिखाता है, तो वो क्या लिंकिंग करता है ग्राफ के थ्रू करता है। जैसे लिंक्डइन, लिंक्डइन बहुत सारा जॉब हंटिंग के लिए बेस्ट है और लिए लिंक्डइन प्रोफाइल है प्रोफेशनल लोग के लिए, वो भी ग्राफ डीबी को ही यूज करता है, ठीक है। तो ये नो सिक्वल बेस्ड होता है, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे कैप थ्योरम पूरा मतलब डीप में, कैप थ्योरम पर, जिसमें कैप थ्योरम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है, और अवेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। तो ये क्या नो सिक्वल क्या फॉलो करता है, कैप थ्योरम को ही फॉलो करता है, ठीक है। नो सिक्वल क्या, नॉट ओनली सिक्वल, ये सही है कि आपका मान लीजिए आप बहुत एक्सपर्ट है सिक्वल में, देन आप मतलब ये मतलब यूज कर सकते हैं, नो सिक्वल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मान लीजिए ये नहीं है कि मान लीजिए जो कमांड जो क्यूरी हम इसमें डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड के लिए मोंगोडीबी के लिखेंगे वो आपको यहाँ भी सेम यूज होगा, नहीं, ऑलमोस्ट नहीं सेम होगा। जैसे मान लीजिए एसक्यूएल में क्या होता है जो ओरेकल के लिए लिखते हैं तो MySQL में भी मोस्ट सिमिलर होता है, बट यहाँ नहीं है, ये मोंगोडीबी अलग है, कैसेंड्रा और एचबीएस अलग है, रेक अलग है, रेडिस अलग है, ग्राफ डीबी अलग है। तो इस ये किस थ्योरम पर काम करता है, कैप थ्योरम पर काम करता है, वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बनाऊंगा कि कैप थ्योरम होता क्या है, कैप थ्योरम में कैप थ्योरम क्या बोलता है, कैप थ्योरम क्या प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ कैप थ्योरम में तीन चीज होता है, जिसमें दो ही चीज सेटिस्फाइड होता है और एक चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कंसिस्टेंसी हो गया, पार्टीशन टॉलरेंस हो गया, अवेबिलिटी हो गया, तो आप कंसिस्टेंसी अवेबिलिटी को लेकर चलिए और पार्टीशन टॉलरेंस को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मोंगोडीबी होगा, तो मोंगोडीबी में क्या होता है कि आपको इसमें आपको क्या करता है अवेबिलिटी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस का बहुत रिक्वायरमेंट है, तो मोंगोडीबी का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कैसेंड्रा हो गया, कैसेंड्रा में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी को हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं और क्या अवेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस को हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं। तो कोई भी नो सिक्वल में आपको दो चीज सेटिस्फाई करना पड़ेगा और एक चीज कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो कैप थ्योरम स्टेट करता है, कैप थ्योरम बताता है। तो ये सब जो भी नो सिक्वल है वो कैप थ्योरम पर ही बेस्ड है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैप थ्योरम पर ही कि कैप थ्योरम होता क्या, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पर्पज। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।